चलो शुरू करें अपन काम जल्दी जल्दी। पहला कौन दिख रहा है आपको? ये व्यक्ति, ये एक शानदार सा व्यक्ति है। कौन है व्यक्ति? जीप चढ़ाता वो व्यक्ति, क्या नाम है इसका? कोई बोला नहीं, म्याऊ नाम नहीं है उसका। ये रेड पांडा है। एक व्हाइट पांडा होता है, तो व्हाइट पांडा तो बहुत खतरनाक होता है। अगर मारो जंगल में आ गए तो फिर है ना, वो पूरा पूरा भी सर्जरी कर देगा उठा के अपन लोगों की, व्हाइट पांडा। लेकिन रेड पांडा सर्जरी नहीं कर पाता, इसकी सर्जरी तो खैर अपन ही कर देते। वही वाला तो बोल रहे ना, ब्लैक व्हाइट वाला, ठीक है ना, वो अपनी सर्जरी कर देगा अपन लोगों की अगर उसके अपन चंगुल में आ गए तो, है ना। क्योंकि वो कौन होता है? मांसाहारी होता है, नॉन वेजिटेरियन होता है, ठीक है ना। तो पूरा आपको यहीं से खोलेगा सीधे पकड़ के, और अंदर जो भी कुछ है। चलो खैर, रेड पांडा के बारे में कुछ बात है, वो बात अपन देख लें क्या है। क्योंकि देखो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता ना, जैसे वो नहीं आया तो क्वेश्चन अभी एमपीपीएससी में आया था। कौन सा क्वेश्चन आया था? कौन सा क्वेश्चन आया था कोई गौरव? अरे पक्षी के नाम से नहीं आया था, पेंगोलिन के नाम से आया था। एमपी पहला स्टेट है जिसने क्या है, पेंगोलिन की रेडियो टैगिंग करी है ना, वो क्वेश्चन। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन अपने एमपी में भी आने लगे, तो यूपी और यूपीएससी में तो नॉर्मली आते ही आते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पर लाया गया। तो देखो यहाँ पर लिखा है कौन सा, सिंगला नेशनल पार्क, सॉरी सिंगलीला नेशनल पार्क। तो सिंगलीला नेशनल पार्क है ये कहां पर है? ये है पश्चिम बंगाल में। ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में बन सकता है, तो ध्यान रखना जो सिंगलीला नेशनल पार्क है वो कहां पर है? पश्चिम बंगाल। सिंगलीला को सिक्के में मत लगा देना कहीं गलती से, कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यहां पर ये कौन सा जानवर पाया जाता है? रेड पांडा। रेड पांडा यहां पे पाया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि रेड पांडा निम्न में से किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, ऐसा करके। तो वो पश्चिम बंगाल का कौन सा नेशनल पार्क है? सिंगलीला। लेकिन एक और है, वो कौन सा है? वो है ये पदमजा नायडू हिमालयन नेशनल पार्क। अब देखो नाम लिखा है पदमजा नायडू, हो सकता है नायडू पढ़ के हम कहां पर जाए, साउथ में जाए कहीं पर, तमिलनाडु केरल वगैरह में, खासकर केरल वगैरह में जाओ। लेकिन पदमजा नायडू है ये कहां पर है? ये है दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग कहां पर है? तो यहां पर जो रेड पांडा की बात की जा रही है वो किस परिप्रेक्ष्य में, किस स्टेट के परस्पेक्टिव में कर रहे हैं अपन? पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल परस्पेक्टिव में कर रहे हैं, तो हमको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो ये आईयूसीएन की जो ना रेड लिस्ट में है, और ये कौन है? एक एंडेंजर्ड है ना स्पीशीज है। एंडेंजर्ड माने क्या होता है? खतरे में, खतरनाक नहीं, खतरे में, खतरनाक नहीं है। खतरनाक तो व्हाइट पांडा होता है, वो सर्जरी कर देता है, ठीक है। ये नहीं, एंडेंजर्ड संकटग्रस्त है ये, आईयूसीएन की रेड। आईयूसीएन का गठन कब हुआ था? मैंने को पढ़ाया था पहले, बिल्कुल 1964 है शायद, शायद नहीं सही है, 1964 में से गठन हुआ था, ठीक है ना। कोलोगनी स्विट्जरलैंड में इसका क्या हेडक्वार्टर बना हुआ है ना। तो ऐसे कर करके बार बार हमको ये याद होता चला जाएगा, बार बार जब उसको पढ़ेंगे किसमें, न्यूज़पेपर में। तो बात समझ आ गई, रेड पांडा। हाँ, रेड पांडा का यहाँ पर का जूलॉजिकल नेम भी दिया है, एल्यूरस फुलजेंस करके, एल्यूरस फुलजेंस। लेकिन खैर यह हमें याद नहीं करना, हमको तो केवल इतना पता होगा रेड पांडा पश्चिम बंगाल के कौन से नेशनल पार्क में है ना, सिंगलीला नेशनल पार्क में है, और जो वो जूलॉजिकल पार्क उसका नाम क्या है? पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पश्चिम बंगाल में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? सिंगलीला नेशनल पार्क, जिससे कौन संबंधित है? रेड पांडा। और उसी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक जूलॉजिकल पार्क है, उसका नाम क्या है? पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जिसके लिए सेफ जोन कहा जाता है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न से कौन सा क्षेत्र जो है रेड पांडा के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है भारत में? तो पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग वाला, ठीक है। ये इसलिए इस खबर को यहां पर लेकर आए हम। संख्या तो कह रहे से बहुत कमी बची हुई है, लेकिन 20 आप पर्टिकुलर नहीं बोलो, 20 पर्टिकुलर 20 नहीं कह सकते आप, है ना। वो क्या 20 जो अपन बोल रहे हैं एक अराउंड वाली फिगर बोल रहे हैं, मान चलो अराउंड फिगर, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर 20 नहीं कह सकते, हाँ न्यूज़पेपर के हिसाब से 20 है, ठीक है ऐसा। चलो अब आते हैं हम इस पर, मेरे ख्याल से आप लोग भली भांति से परिचित होंगे। कितनी शानदार चीज चल रही है इस समय कि जब भी गुस्सा उतारना हो तो इस रूप में गुस्सा उतारिए। तो फिर चले अपन कलेक्ट्रेट में घुस जाए सभी के सभी, आयोग में घुस जाए अपन जाके, आयोग में परीक्षा देखो टाइम पर नहीं हो रही, चले अपन सभी लोग आयोग में घुस जाते है नहीं, वहां पर हटाते उनको कनरे को, कौन कौन जो भी राजेश लाल मेहरा है उनकी कुर्सी बैठ के अपनी सेल्फी लेंगे अपनी। किचन में खाना नहीं, किचन में चाय बना के तो पी लेंगे कम से कम। चलो चलो, तो श्रीलंका का अपन क्राइसिस देख लें, यहाँ पर छोटी सी खबर है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखो श्रीलंका में भीड़ का राष्ट्रपति भवन पर कब्जा। yes, ये हमें पीछे दिख रहा था कि दिख रहा, थोड़ा बड़ा करा था यहाँ पर, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर से और ये हिंदी से।
ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा है, कुछ संकट लिखे। संसद के स्पीकर अभय वर्धने ने कहा 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति गोटाबाया। तो गोटाबाया का काम तमाम हो गया इन भाया का। सर्वदलीय सरकार के गठन के लिए विपक्ष ने राष्ट्रपति से मांगा था इस्तीफा, क्योंकि देखो ये लोग क्या है, गोटाबाया जो परिवार है ना, ये काफी लंबे टाइम से श्रीलंका की राजनीति में घुसा हुआ है। जैसे कांग्रेस में गांधी परिवार घुसा है ना, वो निकल नहीं रहे बाहर। आखिरकार क्या हुआ, कांग्रेस को उन्होंने डुबो ही दिया। ठीक है, अब कांग्रेस का नाम लेना मतलब कि जो ना, मतलब क्या कह रहे हो, नहीं 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 गांधी परिवार का नाम लेना नहीं, कांग्रेस पार्टी का नाम लेना मतलब कि कोई तुच्छी चीज का नाम लेना, ऐसा कहा जाता है अब तो, कि छोटी मोटी चीज का नाम ले रहे हो आप, है ना। क्योंकि वो डुबो दी पार्टी उनने पूरे तरीके से, कहने का है ये मतलब, है ना। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर दागे खैरासू गोले, घर छोड़ो प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री विक्रम सिंह का निजी आवास फूंक दिया। सोचे प्रधानमंत्री विक्रम सिंह, इस बेचारे की कोई गलती भी नहीं थी, ये तो अभी भी बना था कुछ महीने पहले, है ना। वो बेचारे का जो प्राइवेट हाउस था वही जा हमारा, इस बेचारे का मतलब गोटाबाया ने जो किया वो भुगता किसने, विक्रम सिंह ने, है ना। वो तो भाग गया, पूरा पूरा सामान कहाँ पैक करके, अपना सामान पैक करके शिप में डाल के भाग गया विदेश में। पता नहीं विदेश में कहाँ पर है, पता पड़ेगा भी आने वाले टाइम में कि इंग्लैंड में बैठा है माल्या की तरह, या फिर जो ना किसी कैरिबियन द्वीप पे बैठा है ना स्वामी नित्यानंद की तरह, पता पड़ेगा अभी आगे चल के हमें। और देखो पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्य, कुमार संगकारा, महिला जयवर्धन ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। सही बात है ना, क्योंकि ये लोग कॉमन मैन है इसीलिए वो तो समर्थन करेंगे, है ना। क्योंकि ये क्या है, अक्षय कुमार की तरह या विराट कोहली की तरह है नहीं है कि समर्थन ना करें, तो ये तो करेंगे ही करेंगे। खैर हमको क्या है, दोनों पक्ष देखने, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, है ना। अभी तो क्या हम निगेटिव निगेटिव दिखा रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव भी देखना है हमको कि पॉजिटिव क्या निकलेगा। चलो तो देखो ये पूरा पूरा प्रदर्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये अभी आगे खबर आएगी, आगे बता दूँ आपको ये पूरी पूरी, ये आप इसको जो पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, हालांकि इतना काम का आपके नहीं है ये। क्या चीज़, देखो इस्तीफा देना अगर मान लो वो आते नहीं है, तो फिर श्रीलंका के संविधान में कुछ ऐसा वर्णन तो होगा कि मान लो इतने इतने समय तक अगर मान लो कोई भी सांसद है या विधायक है संसद में प्रस्तुत नहीं होता है, तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक हो जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। अगर आ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो फिर बेइज्जती तो खैर होनी होनी है, ये है ना। ऐसा जैसे बोलते हैं ना, जैसे मान लो किसी घर में क्या तीन भाई हैं, अब क्या सबकी शादी हो जाए, और यदि मान लो वो बोले कि हमको अलग अलग रहना है, तो उन्हें अलग अलग रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो बोलोगे नहीं तीनों को संग ही रखना है, तो फिर लड़के अलग होंगे वो, है ना। ये होता ही है, जॉइंट फैमिली आज के टाइम पे इतना आसान नहीं रख पाना, इतना आसान है ही नहीं है। व्यक्ति न्यूक्लियर हो ही जाता है, ध्यान रखना, न्यूक्लियर फैमिली बनानी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आते ही हैं। अगर प्रेम बनाए रखना है तो फिर न्यूक्लियर फैमिली ही बनानी पड़ेगी, और प्रेम नहीं बनाना, लड़ाई लड़ना है तो जॉइंट फैमिली में रहो, ठीक है। क्योंकि जॉइंट फैमिली जब तक पिताजी है ना तब तक ठीक है, लेकिन जब पिताजी चले जाएंगे ना तो फिर सब अलग अलग होंगे, लड़ेंगे आपस में, ये मेरा हिस्सा नहीं, ऊपर ही थर्ड फ्लोर मैं लूंगा, नहीं नहीं वो बालकनी में नहीं वहाँ पर, तो वो मैं लूंगा, नहीं नहीं वहाँ पर जो अटैच लेट बात बना हुआ वो कमरा मैं लूंगा। आपको मालूम है पंजाब में ऐसी एक बार एक बच्चे ने, मतलब दो भाई थे जिनकी फैमिली थी, पिताजी चले गए जब बंटवारा हुआ, तो बंटवारे में क्या था, जो नीचे का पोर्शन था वो बड़े भाई को मिला, और ऊपर वाला पोर्शन था जिसमें का छत आ जाएगी वो छोटे भाई को मिला। तो नीचे वाले भाई का जो बेटा था उसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपने दोनों चचेरे भाई बहनों को गोली मार दी थी, सीधे सिर में गोली मारी थी उसने। सोचो ये केस आया था एक बार क्राइम पेट्रोल पे, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा। तो ये भी हो जाता है, हाँ सॉरी ये क्राइम पेट्रोल नहीं, ये सावधान इंडिया पे ही आया था, क्राइम पेट्रोल पे नहीं आया था, ये सावधान इंडिया पे ही आया था, ठीक है ना, क्राइम पेट्रोल पे नहीं, यानी चलो एक क्राइम पेट्रोल आता है, एक सावधान, क्यों अनिमेश, एक सावधान इंडिया था, क्राइम पेट्रोल आता है, तुम अपना चला दो क्राइम डीजल और क्या। चलो यहाँ पर कुछ देखो अपन बात देख ले, पड़ोसी देश वाली बातें देख लो यहाँ पर आप लोग, क्या है श्रीलंका के आसपास आप जानते हो, इंडिया है ना, मालदीव है नीचे की तरफ को, ठीक है ना, हिंद महासागर में से श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जिसकी कुल आबादी कितनी है 2.2 करोड़, और इसमें कितना 99% सिंगली लोग है ना, सिंगली यानी जो मेनली श्रीलंकन लोग है वो रहते हैं। श्रीलंका की सत्ता में वर्षों से राजपक्षे भाइयों का ही क्या रहा है, दबदबा रहा है। 2009 में ये लिखा है लिट्टे क्या है, यहां लिख रहा हूं फुल फॉर्म, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम। मतलब ये लोग जानते हो क्या कर रहे थे, ये चाहते थे कि श्रीलंका में जो उत्तरी भाग है ना, पूर्वोत्तर वाला जो भाग है, उत्तर पूर्व वाला जो भाग है, वो थोड़ा अलग हटके क्या वहां पर एक तमिल देश बन जाए, ये लोग वो चाहते थे लिट्टे वाले। तो लिट्टे को किसने समाप्त किया था, इन राजपक्षे ब्रदर ने, तो ये काम तो इन्हें अच्छा करा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, इसके बाद से इनके काम पूरे गड़बड़ हो गए। देखो मैं आपसे वही तो कहता हूँ ना, किसी भी देश को यदि उसकी एकता बनाए रखना है तो वहां पर पहले काम किस पर होना चाहिए, इकोनॉमी पर।
आपको शायद याद होगा मेरा वो लेक्चर, आप जाइए कुछ महीनों पहले, मैंने आपको क्या बताता था कि अगर मान लो आज मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो जैसे ही मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, सबसे पहले 10 साल के लिए लगाऊंगा इमरजेंसी, और काम किस पर करूंगा, अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था। विद्या बालन बोलती थी ना एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तो मैं इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स से क्या है देश ऊपर उठेगा, उसके बाद जो है इमरजेंसी में हटाऊंगा, फिर साइंस टेक पे काम करवाऊंगा, क्योंकि देश अगर इकोनॉमी ऊपर नहीं उठ पाया ना तो हालत लंका और पाकिस्तान जैसी होगी, ठीक है ना, पाकिस्तान का बन जाए कब्रिस्तान, श्रीलंका की लग जाएगी लंका, ऐसा। चलिए तो देखो 2009 में लिट्टे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में महिंद्रा राजपक्षे नायक बन गए उभरे, तो यहां पर तो हीरो बन गए, लेकिन अब आगे चल के दिक्कत होने वाली है। उसके बाद चुनाव में महिंद्रा भारी समर्थन से राष्ट्रपति चुने गए, मौजूदा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे महिंद्रा के कौन है, ये छोटे भाई हैं, ठीक है। आर्थिक संकट के चलते महिंद्रा राजपक्षे नायक से कौन बन गए, खलनायक, तो नायक नहीं खलनायक में संजू बाबा बन गए, है ना। लोगों के विरोध के चलते मई में उन्हें पीएम पद छोड़ना पड़ गया, और फिर कौन आ गया, रानिल विक्रमसिंघे आ गए, है कि नहीं है, तो बिल्कुल जिनका निजी निवास जनता ने फूंक दिया, तो बेचारे विक्रमसिंघे की तो कोई गलती भी नहीं थी, है ना, और उनका घर जला दिया गया। लोगों को गुस्सा इसका बड़ा कि वे राजपक्षे परिवार के किसी भी सदस्य को सरकार में देखना ही नहीं चाहते थे, है ना, देखना चाहते ही नहीं है इस समय। मतलब आप ये मान लो अगर श्रीलंका में अभी कोई सरकार नहीं है, सब लोग ये भाग चुके हैं श्रीलंका छोड़कर, है ना, यही होता है पैसा है, क्योंकि इनके पास तो पैसा है ना, वहाँ की जो आम जनता उसमें तो पैसा नहीं, पैसा तो पूरे इन्हीं के पास दबा हुआ है, ये पैसा अपना इकट्ठा करके कहाँ विदेश में भाग चुके हैं, अब वहाँ पर क्या इस समय कोई भी सरकार नहीं है, तभी तो राष्ट्रपति भवन पर किसने कब्जा कर लिया है, कॉमन पब्लिक ने कर लिया जनता, अगर कोई सरकार होती तो ये चीज़ नहीं हो पाती। अब आप देखो यहाँ पर मदद करने के लिए इंडिया भी आएगा, US भी आएगा, IMF भी आएगा, विभिन्न विभिन्न लोग आएंगे, हम थोड़ा आगे चल के देखते हैं क्या चीज़ क्या कह रहे हो, आर्मी, अरे आर्मी अपने देश के लोगों को थोड़ी मारती है, आर्मी किसके इशारा नहीं, आर्मी किसकी कमांड में काम करेगी, राष्ट्रपति या फिर सरकार, अब वापस सरकार ही नहीं है तो फिर आर्मी क्या करेगी, ठीक है ना, आर्मी अपने मन से थोड़ी करेगी, है ना। पुलिस जैसे होती, पुलिस, पुलिस के बारे में क्या कहा जाता है कि पुलिस को जब तक क्या है सरकार आदेश नहीं देगी वो घटनास्थल पर जाएगी नहीं, ठीक है ना, आप चाहे कितना ही बोल दो कि जांच कर लो ये कर लो वो कर लो, सरकार बोलेगा तो ही होगा नहीं तो नहीं होगा। अरे तो वहां पर कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बैठा ही नहीं ना संसद में समय जो ये कर पाए, जो मेन लोग थे पूरा पूरा परिवार ही था ना जो सत्ता में बैठा हुआ था, ये पूरा परिवार ही भाग गया वहां से, अब वो जनता से आह्वान किया जाएगा कॉमन तौर पर, जैसे वहां के क्रिकेटर हैं, वहां के जो ना जो फिल्म स्टार हैं, ये सब आह्वान करेंगे जनता से, वहां के जो ना क्या कहते हैं टीवी स्टार हैं, आह्वान करेंगे जनता से कि कृपया शांति बनाए रखें, हम एक नॉर्मल सरकार लेकर आ रहे हैं जो आपकी बात को सुनेगी, आपकी बात को रखेगी और आपकी जो भी समस्या उनको दूर करेगी। चलिए चलो, तो श्रीलंका में क्या है राजनीतिक अस्थिरता के कारण मदद पहुंचना हुआ मुश्किल, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता आ गई ना, यहां पर क्या आ गई राजनीतिक अस्थिरता। आपको मालूम है भारत से लोगों ने क्या $1.5 बिलियन मांगे थे, अब हमको सोचना पड़ेगा देने से पहले कि हम दे कैसे, जो लेने वाले थे मतलब जो मैनेज करने वाले थे वो तो भाग गए, पकड़ाए कैसे। बिल्कुल, IMF से कर्जा लेने की बात चल रही थी, तो IMF के जो अधिकारी हैं वो ये सोच रहे हैं हम बात किससे करने जाएं वहां पर, कि सरकारी नहीं है, जो मेन लोग थे वो तो भाग गए ना, बात किससे करें हम लोग, है ना, जो वहां की पब्लिक है उनसे तो बात नहीं कर सकते ना, बात तो मेन व्यक्ति से होगी ना, और वो ही पैसा लेके पब्लिक में खर्च करेगा, है कि नहीं है ये चीज। तो IMF का चाहे इंडिया हो चाहे US हो चाहे IMF हो या फिर कोई और अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो जो कर्जा देने वाली थी किसको, श्रीलंका को, उन्हें अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हम उनको मदद पहुंचाएं कैसे, क्योंकि वहां पर तो क्या पूरे समय अराजकता फैल गई एक प्रकार से श्रीलंका में, है ना। चलिए इसकी अराजकता का एक पॉइंट अपन अभी देखेंगे, इंडिया से भी जोड़ेंगे, अपन देखेंगे कैसे क्या हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, है ना। उससे पहले हम देखते हैं एक वीडियो, है कि नहीं। अरे तो देखते तो जाओ, ये आगे स्विमिंग पूल आपका तो चलो स्विमिंग पूल का वीडियो भी देखते हैं अपन।
पागल हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है ना। चलिए अब देखो ये है पूरा पूरा राजपक्षे परिवार, ये रहा आपके सामने पूरा पूरा। महिंद्रा, गोटाबाया, चमाल, बासिल, नमल, योशिता, सशंद्रा है ना। इनके बाद में सीधी बात है नंबर इन्हीं लोगों का लगता, लेकिन अब इनका नंबर नहीं लगने वाला क्योंकि ये सभी के सभी यहां से क्या हो चुके हैं, भाग चुके हैं। ये पूरे पूरे एक ही परिवार के सदस्य ये सभी लोग, और ये सभी लोग कहां पर थे, श्रीलंका की जो मेन राजनीति वहां पे घुसे हुए थे, मेन पॉलिटिक्स में, जैसे गांधी परिवार को बोलते ना अपन। और क्या, हर चुनाव जीतने वाली बात नहीं है, चुनाव जीते ना जीते, अगर मान लो चुनाव हार भी जाएंगे तो फिर साइड तो है ना राज्यसभा टाइप का, जैसे अपने इंडिया में है राज्यसभा है नहीं, वैसे श्रीलंका में कुछ ना कुछ होगा है ना, तो वहां से कहीं ना कहीं एंट्री तो करवा ही देंगे है ना। अगर मान लो वो भी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वाइस प्रेसिडेंट वगैरह बना ही देंगे या प्रेसिडेंट बना देंगे किसी ना किसी, जैसे ग्वालियर क्रिकेट डिवीजन का बना रखा है इस टाइप से है ना। ये चीज मतलब कुल मिला के राजनीति में बने रहना है ना। ये पांच छह लोग हैं, सात लोग हैं जो, लेकिन अब ये सातों सातों क्या है, फरार हो चुके हैं, सात समंदर पार जा चुके हैं। चलो खैर, तो देखो श्रीलंका में क्या है, जो संकट आया, संकट किस वजह से आया, देखो सबसे पहले संकट क्या है, तेल संकट आया वहां पर, क्योंकि क्या पैसे नहीं थे। आपको मालूम श्रीलंका पर कितना, 51 बिलियन डॉलर का कर्ज हो गया है, कितना 51 बिलियन डॉलर का कर्ज हो गया अभी मार्च 2022 में। और जानते हो उन पर जो आपका जो वो है विदेशी मुद्रा भंडार, वो कितना बचा है, मात्र 25 मिलियन डॉलर। क्या बोल रहा हूं, बिलियन नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, मिलियन। कर्जा कितना है 51 बिलियन डॉलर का, और पैसा कितना बचा है, विदेशी पूंजी कितनी बची है 25 मिलियन डॉलर की। तो बता 25 मिलियन डॉलर में क्या, वो दो तीन दिन का तेल भी नहीं मंगवा सकते ढंग से, ठीक है ना। इसीलिए वहां पर क्या हो गया है, तेल का संकट आया, ठीक है ना। फिर क्या वहां पे खाने का संकट आया, काफी अच्छा लग रहा है देखने में ये तो। खैर फिर वहां पर क्या, देखो पावर कट होने लगे, अब आप बताओ तेल का संकट, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पा रहे, खाने का संकट आने लगा, खाने को नहीं मिल रहा है, पावर का संकट तो आ ही रहा है बराबर, ठीक है। वो अलग बात है लैपटॉप चला रहा है वो, कहीं से चार्ज करके ले आया होगा अगल बगल पड़ोसी देशों से, ठीक है ना। और वहां पर जो माइनॉरिटी है, वहां पर जो माइनॉरिटी है मुस्लिम माइनॉरिटी, जो इन पर हो रहे अत्याचार, इन सब चीजों को देखते हुए सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आई, कॉमन पब्लिक को, क्योंकि उन्हें क्या दिख रहा है कि आप यहां पर ध्यान दे नहीं रहे हो। आपका ध्यान कहां पर, देखो आप ना तो यहां ध्यान दे रहे हो, ना आप यहां ध्यान दे रहे हो, ना आप यहां ध्यान दे रहे हो, आपका ध्यान क्या इन पर है, माइनॉरिटी पर है ना, जबकि आपका ध्यान कहां होना चाहिए था, अर्थव्यवस्था पर। आपका ध्यान कहां पर होना चाहिए था, अर्थव्यवस्था पर, आप इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप पूरी की पूरी राजनीति कहां पर शिफ्ट कर रहे हो कि मुस्लिम ऐसे मुस्लिम वैसे हैं, इनको हटाओ करो, जैसे अपने इंडिया में चल रहा है ना इस समय, उसी टाइप से ये श्रीलंका में चल रहा है, तभी अर्थव्यवस्था का संकट आ गया। तो इंडिया में आप देखो क्या हो रहा है, ये चीज चल रही कि नहीं चल रही है, और अर्थव्यवस्था गड़बड़ है कि नहीं है। अगर मान लो श्रीलंका से हमारे यहाँ पर जो अराजक तत्व है उन्होंने श्रीलंका से ये चीज सीख ली कि श्रीलंका में जब ऐसा हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं, और मान लो उन्होंने इंडिया में कुछ ऐसा कर दिया तो उसके लिए तैयार रहना भारत सरकार को है ना, कि ये चीज हो नहीं पाए। मतलब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी मजबूत रहे कि पहले जो भंडारा हुआ था अब दोबारा से भंडारा रिपीट ना हो। ध्यान है भंडारा कि नहीं ध्यान है, अरे अग्निपथ वाला भंडारा, ठीक है ना, तो अब वो भंडारा रिपीट ना हो ऐसा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब देखो ये कौन है, शी जिनपिंग है, ठीक है। अब मैं क्या उसको हमेशा इसी रूप में देखता हूँ, इसलिए मैं उसको हमेशा इसी रूप में लेकर आता हूँ आपके सामने। हाँ बस कुछ नहीं, थोड़ा मुंह पे एक पैसा और आया, एक रुपए का सिक्का आया तो बिल्कुल वैसे ही लगेगा वो, है ना। चलो खैर, तो देखो आज आप देखना श्रीलंका की जो हालत हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये व्यक्ति भी जिम्मेदार है कि नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या करा, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों को बहुत सारा लोन दिया, बहुत सारा ऋण दिया। क्या बोल के ऋण दिया, अरे तुम तो पैसे लो और यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, पैसा कमाओ, और पैसा नहीं कमा पाओगे तो फिर ये वो पीछे से बोल रहा है, मतलब वो क्या बोल रहा है, देखो सामने क्या बोल रहा है वो, कि तुम तो पैसा लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, पैसा कमाओ, हमें हमारा जो उधार हमने दिया है वो इंस्टॉलमेंट वापस करते रहो। बाकी पीछे से निकल के कौन बोल रहा है, बेटा टेंशन मत ले, तू कमा नहीं पाएगा, तेरा तो मार पाऊंगा देश, पीछे से व्यक्ति निकल कर आके ये बोल रहा है। बिल्कुल हम्मन टोटा बंदरगाह क्या हुआ, ये तो ना 99 साल की लीज पे ले लिया कि नहीं ले लिया, मतलब उसने क्या वो देश, वो जो क्षेत्र था एक प्रकार से हड़प लिया है। लेकिन बताऊं क्या है, आप बात सुनना ध्यान से, आपको पता होगा पाकिस्तान में जो चाइना के लोग रहते हैं कैसे उनको निपटाया जा रहा तरीके से, तो तुमने हम्मन टोटा पे अपने लोग भेज तो दिए है ना, अब ये जब राष्ट्रपति भवन में घुस सकते हैं तो सोचो हम्मन टोटा एयरपोर्ट पे घुस सकते हैं, वहां पे तुम्हारे लोगों को निपटा सकते हैं। ध्यान रखना ये बात, आप पाकिस्तान की मूवी देखना, पाकिस्तान की मूवी जानते हो किडनैप किसको करते हैं, वो चीनियों को किडनैप करते हैं वो लोग,
पाकिस्तान की मूवी में दिखाते हैं ना, बलूचिस्तान में जो मूवी बनती है ना, वहाँ पे वो चीनी नेशनल को किडनैप करके दिखाते हैं, मतलब उसे पकड़ के ले जाते हैं, फिर उसको जो है रिहा करवाया जाता है वहाँ से, ऐसा रहता है। जैसे अपने यहाँ पे रहता है ना, अपने यहाँ पर आतंकवादी आते हैं जो अपने किडनैप करते हैं, फिर क्या वो मांग करते हैं सरकार से ऐसा ऐसा, वहाँ पर क्या है चीनियों को किडनैप किया जाता पाकिस्तान में, और फिर सरकार से मांग किया थी कि हमारी ये मांग पूरी करो कि हमें इतना किलो बारूद चाहिए, इतना किलो ये वाले बम चाहिए, इतने किलो ये वाले आदमी चाहिए जो क्या फट जाए वहाँ पर जाके, इस टाइप से है ना, पाकिस्तान वाली बात है ना। इसीलिए खैर नहीं, पैसे तो मांगते ही मांगते, सबसे पहले पैसा हो बाद में फिर ये अदर, क्यों लिस्ट पूरी लंबी होती है ना, जैसे घर की शॉपिंग लिस्ट नहीं होती, वो अपने को बीवी पकड़ा देती है कि ये सामान लेकर आ जाना, उसी टाइप से। चलिए खैर, तो देखो शी जिनपिंग ने क्या करा, बहुत सारा, मतलब शी जिनपिंग और चाइना अपन बोलते जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, इन्होंने श्रीलंका को बहुत सारा लोन दिया क्या बोलकर, कि तुम विकास करना और हमारा पैसा जो है ना कमा कमा को चुकाते रहना, लेकिन इनको पता था ये नहीं कर पाएंगे। वहां पर क्या है, बराबर सरकार बदली श्रीलंका में है ना, और उन्होंने क्या करा, ये देख लिया कि चाइना ऐसा देश है आज की डेट में, IMF वर्ल्ड बैंक ADB इनको छोड़कर, जिससे क्या कभी पैसा मांगो तो ये दे देगा, और ये भी क्या तैयार थे इस चीज़ के लिए कि देते रहो। मतलब इन्होंने क्या करा, एक प्रकार से क्या दिखाई है यहाँ पर, अगर आपन बोले तो इनका क्या शातिर दिमाग तो चल ही रहा है, लेकिन एक प्रकार से इनने गैर जिम्मेदाराना हरकत भी की है। किसने, चीनियों ने, चाइना पार्टी ने एक प्रकार से गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। आप एक बात बताओ, कोई व्यक्ति यदि बैंक में लोन लेने जा रहा है और वो डिफॉल्ट कर रहा है और फिर भी बैंक उसे लोन दे रहा है, तो बैंक की ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है कि नहीं है, है ना, वो अलग बात है। मान लो बैंक के लोगों की नजर ही कह रहे थे प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, वो अपन हड़प लेंगे बाद में चल के, तो चाइना का वही चीज़ रहा है कि एक देश है ना 2.25 करोड़ की जनसंख्या वाला, इनको साफ करके यहाँ पूरे चीनी बसा देंगे, हान नस्ल के अपन कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग ये चीज़। क्योंकि देखो माओ ज़ेडुंग का सपना था ना 1949 में कि एक दिन मैं पूरा ऐसा विश्व देखना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में क्या हो, चीनी चीनी हो हर जगह पर, मतलब छोटी आँख वाले दिखें हर जगह पर, कुल मिला के जी हाँ चीटी हो। चलो अब ये देखो, ये श्रीलंका का जो ना ये आपने बनाया कर्जे वाले में लेकर आऊँ कि मार्च 2022 में कितना है, हालांकि यहाँ पर क्या 39-40 दिखा रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी वर्तमान में यदि आप आओगे कि ये मार्च का डेटा है, इसीलिए वर्तमान में क्या चल रहा है अभी July 2022, तो July 2022 में जो कर्जा है वो कितना है $51 बिलियन का, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना बचा हुआ है $25 मिलियन का ही बचा हुआ है, जिसमें ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे है ना, उसमें क्या है जो गोटाबाया राजपक्षे का परिवार है ना, वही अपनी जरूरत पूरी कर ले, वही बहुत है, बाकी जनता की तो भूल ही जाए ऐसा। चलिए अब देखो, भारत और यूएसए, भारत यूएसए और एक कौन है IMF, इन लोगों ने क्या कर रखा है, बराबर श्रीलंका की मदद करना जारी रखा है। लेकिन वर्तमान आप देखना, अभी जब सरकार गई गिरी नहीं थी ना, अभी ये लोग भागे नहीं थे, जब तक क्या जनता ने पूरे आवास पर कब्जा नहीं कर लिया, तब तक क्या इंडिया और अमेरिका और IMF, ये क्या IMF तो घर मदद करने वाला था और इंडिया भी और यूएस भी मदद करने वाले थे ना, तो ये पैसा भेजने वाले थे, लेकिन क्या वहां से चली गई सरकार, तो अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि पैसा किसके हाथ में पकड़ाया जाए, क्योंकि वहां पर एक जिम्मेदार सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए, और अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है वहां पर किस सरकार किसी बनेगी या फिर बनेगी कि नहीं बनेगी, या फिर कहीं ऐसा ना हो गोटाबाया वापस लौट कर आ जाए, लेकिन इतना तो तय हो गया कि गोटाबाया वापस लौट के नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जनता में इतना 2.25 करोड़ की जनता में, अपन 2.25 करोड़ छोड़ दो, 1 करोड़ की जनता में इतना ज्यादा आक्रोश आ चुका है इस समय कि अब वो गोटाबाया की शक्ल देखने नहीं चाहते, गोटाबाया को बोल रहे हैं बाय बाय भैया, तुम तो जाओ, तुम तो विदेश में रहो, तुम यहाँ लौट के नहीं आओ, मतलब सीधी बात है, यहाँ पर कोई नई नई सरकार बनने वाली आने वाले टाइम में, और वो क्या अपील से ही होगा, अपील की जाएगी तभी होगा, ठीक है। चलिए अब देखो इंपैक्ट ऑन इंडिया देख रहे हम यहां पर कि श्रीलंका में क्या हुआ, क्या चल रहा है, इसका भारत पे कैसा आ सकता है, मेरी बात आप ध्यान सुनना, श्रीलंका में क्या किया गया है, बहुत सारे क्या कहते हैं फ्रीबीज जानते हो नहीं, जानते हम लोग मुफ्त योजनाएं, फ्रीबीज मुफ्त योजनाएं क्या है, जब बाबर गोटाबाया बनकर आया तो उन्होंने क्या बहुत सारे टैक्स जो ना कट कर दिए थे, गोटाबाया राजपक्षे ने क्या करा, बहुत सारे टैक्स कम कर दिए जनता पे जो लगते थे, है ना। अब देखो मैंने क्या बोला, वो वाली बात, अगर मान लो आप टैक्स कम करोगे तो आप पे संसाधन तो सीमित है और उन पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा, क्योंकि व्यक्ति ज्यादा खर्च करेगा ना, टैक्स जब कम हो जाएगा तभी वर्तमान जो हमारी करंट गवर्नमेंट है इंडिया की, कौन सी BJP, ये टैक्स कम क्यों नहीं कर रही है, ये महंगाई को तब बना के क्यों रखी हुई है, उनको पता है कि अगर मान लो हमने टैक्स कम किया और महंगाई कम की तो देश के लोगों की आदत तो पहले से खराब है ही है, फोकट वाली है ये और बढ़ जाएगी, गिने चुने संसाधन है इन पर भी अतिरिक्त दबाव आ जाएगा तो देश बचेगा ही नहीं, है ना। मतलब सरकार कैसे में दुविधा में है, अगर मान लो कम करे तो दिक्कत, बढ़ाए तो जनता का आक्रोश है ही है,
तभी क्या सरकार को दोनों बैलेंस बना के चलना पड़ा। तो बैलेंस चल रहा है समय, आप देखते हैं बैलेंस कब तक बना रहेगा। देखो मैं आपसे क्या बोलूं, इंपैक्ट ऑन इंडिया, मतलब भारत में इसका प्रभाव क्या आएगा, आपको पता होगा अपने इंडिया में दिल्ली पंजाब यहाँ पर किसकी सरकार है, कौन सी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी आपकी सरकार है, ठीक है ना, बिल्कुल। और ये आपको पता है फ्री बिजली फ्री पानी ये सब करवा नहीं करवा रहे हैं। अब अगर मान लो आप ये चीजें फ्री करवाओगे तो देश में जो उपलब्ध संसाधन है उन पर अतिरिक्त दबाव आएगा कि नहीं आएगा, और अतिरिक्त दबाव आएगा तो बस सीधी बात है कहीं ना कहीं संकट भी आके खड़ा होगा, है ना। और संकट आके खड़ा होगा तो जो हाल श्रीलंका का हुआ है क्या पता वो अपने यहाँ पर इन राज्यों का हो जाए, है ना। अपन यही बात का एनालिसिस कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं होगा, टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि हर चीज के पीछे ऊपर, सॉरी पीछे नहीं उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके ऊपर कौन सरकार बैठी है, केंद्र सरकार। तो कल को अगर मान लो दिल्ली पंजाब है ना केरल वेरल जैसे जो राज्य हैं यहाँ पर यदि मान लो दिक्कत आ भी जाती है, इमरजेंसी जैसी चीज आ भी जाती है ना, तो इमरजेंसी लगाई जाएगी किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। आपको पता होगा आपने यदि मान लो पढ़ाओ पॉलिटी में आर्टिकल पढ़े कि नहीं पढ़े, नहीं पॉलिटी की क्लास नहीं चल रही आप लोगों की क्या, पॉलिटी आपकी कहां तक चली थी? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो घर छोड़ो। क्या तीन प्रकार की, सुनो मेरी बात सुन लो, तीन प्रकार की इमरजेंसी होती है, 352 356 360। क्या 352 356 कई बार लग चुका है वो छोड़ दो, 360 अपने क्या होता है वित्तीय आपात, 360 क्या होता है वित्तीय आपात। तो जो मेरा अनुमान है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं क्या है ना, और ये अनुमान आपका भी होना चाहिए, मैंने आपसे क्या बोला कि आपको विश्लेषण यानी एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर मान लो हमारे यहां पर दिल्ली पंजाब केरल जो जैसे जो राज्य जो क्या बहुत सारी चीजें फ्री में पकड़ाते हैं, बंगाल है ना वही ममता बनर्जी वाला वाला वही, ये मान लो चीजें बहुत सारी फ्री में पकड़ाते हैं, यदि मान लो यहां पर क्या अर्थव्यवस्था चरमरा गई तो मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा स्वतंत्रता के कितने साल बाद, 75 साल बाद ऐसा होगा, हाँ 75-76 साल बाद ऐसा होगा कि पहली बार देश में वित्तीय आपात लगेगा, ऐसा मुझे लग रहा है जो आर्टिकल 360 के तहत आता है। तो देखो आप इस बात को कैसे जोड़ पा रहे हो, अब जब भी पॉलिटी के सर आपको जो ना आर्टिकल 360 पढ़ाएंगे कि वित्तीय आपात आज तक नहीं लगा, तो आप इस खबर को उन्हें जोड़कर ऐसे बोल सकते हो कि सर हो सकता हो कि वित्तीय आपात अब ऐसे रूप में लगकर आ जाए, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वो तो मान ही नहीं रहे ना, वो चीजें फ्री में पकड़ाती चले जा रहे हैं, है ना ऐसा। लेकिन मैंने क्या बताया ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या वित्तीय आपात लग जाएगा, वित्तीय आपात का लग जाएगा, और जो दिल्ली की जो पूरी पूरी विधानसभा है, पंजाब की विधानसभा है ना, और केरल की विधानसभा है, ये पूरी पूरी हो जाएंगी क्या डिसॉल्व, और ये पूरे पूरे क्षेत्र किसके अंडर में आ जाएंगे, केंद्र सरकार के अंडर में, और केंद्र सरकार फिर यहाँ की अर्थव्यवस्था को संभालेगी। अगर मैं आपसे ईमानदारी से बोलूँ ना, बीजेपी पार्टी को भले कोई कितनी भी गाली दे ले, कोई कुछ भी बोले, लेकिन अर्थव्यवस्था को संभालने में इनका बड़ा रोल तो है, कुछ भी कहो कुछ भी कहो, यहाँ पर तो इन्होंने रोल बना के रखा है। हाँ महंगाई ये मानते हैं, है ना, तो महंगाई तो अपने खर्चे यार कम करके रखो, अपने शौक कुछ समय के लिए रोक के रखो, क्या दिक्कत है यार, है कि नहीं है। ज़्यादा भौतिकवादी मत बनो, है ना, अब वो भौतिकवादी नेता में तो उनसे हमें लेने देना नहीं है, लेकिन आप मत बनो, है ना। और अगर मान लो नेताओं के तरह भौतिकवादी बनना है जैसे वो गोटाबाया राजपक्षे हैं, तो बस फिर क्या है, चलते हैं अपन कल ही रायसीना हिल्स पे, पूरा रायसीना हिल्स घेर लेते हैं कल अपन चल के, किसकी वजह से और क्या। लेकिन क्या देखो यहाँ पर बस एक चीज ही रहती है कि जो नेता लोग हैं ना, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो भी क्या है ज़्यादा शौक ना करें, वो भी बात का ध्यान रख लें, वो क्या वो चीज़ नहीं कर रहे ना, वो खुद फॉलो नहीं कर रहे ना वो चीज़ को, तभी क्या जनता में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है, और बात नहीं है, है ना। और हमारे यहाँ पर वो आक्रोश क्या आप देखना ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या श्रीलंका में तो कहती 2.25 करोड़ की जनसंख्या है, जबकि यहाँ पर 138 करोड़, ठीक है ना। ये चलो तो देखो एक व्यक्ति है, ये लेफ्टिस्ट व्यक्ति है हालांकि, है ना, देशभक्त अभिषेक बैनर्जी नाम है शायद इसका, यूट्यूब पे क्या वो करता है, मतलब सरकार की क्या टोटल आलोचना ही करता है ना कुल मिला के। तो इसकी अपन एक आलोचना सुन लेते हैं और यहाँ पर अपना जो लेक्चर समाप्त कर देंगे, है ना। तो आलोचना क्या कर रहा है ये बताएगा, श्रीलंका सरकार की आलोचना बता रहा है ये, क्या श्रीलंका सरकार ने क्या गलती कर दी, अर्थव्यवस्था ना संभाल के उनका ध्यान कहाँ पर रहा, अगर वो अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता, है ना ऐसा। तो चलिए सुनते हैं अपन। ब्रिटिश इंग्लिश बुद्धिस्ट हो गए मुसलमानों के खिलाफ, और राजबक्सा बंधुओं को एग्जैक्टली मालूम था कि लोगों को खुश रखने के लिए क्या करना है। राजबक्साज ने पहले का स्लॉटर बैन किया, अनुमान लगाया गया कि इस स्टेप से बुद्धिस्ट मुस्लिम डिवाइड और बढ़ेगा, बंटवारे में नेताओं को तो सबसे ज्यादा मुनाफा मिलता है। फिर उन्होंने बुर्का बैन कर दिया, 1000 मदरसे बैन कर दिए, मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट खुले तरीके से होने लगा। फोकस यह था कि सरकार माइनॉरिटी को कैसे टाइट रखे, इकॉनमी को नहीं,
ऐसा नहीं है कि संकेत नहीं थे, ऐसा नहीं है कि एनालिस्ट ने दो दो साल पहले तक चेतावनी नहीं दी, लेकिन उन्हें बोला गया डोंट बी सो नेगेटिव। सवाल करने वाले जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट को टारगेट भी किया गया, मेजॉरिटी जनता सारा तमाशा देखते रही, कभी कभी उसमें हिस्सा भी लिया और मजे लेते रही। तमाशे में मसरूफ उनको पता ही नहीं चला कि उनकी जेब कब कट गई। सरकार पिछले कुछ सालों में माइनॉरिटीज के पहनावे, उनके दुकानों में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी, ना कि देश की अर्थव्यवस्था। सरकार मेजॉरिटी को खुश रखने के लिए वन लॉ वन नेशन के बारे में बात करने लगी। बुरखा तो बैन हो ही गया और ईस्ट श्रीलंका में खुदाई शुरू हो गई, ये पता लगाने के लिए कि वहां हटाओ तमिल्स को, वहां ऐतिहासिक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं कि नहीं है, हिस्ट्री आर्कियोलॉजी है कि नहीं है। इस नफरत इस बंटवारे की राजनीति में राजपक्षे ब्रदर्स बहुत खूब माहिर थे, खूब पॉइंट्स कमाए और उन्हें लग रहा था कि हमेशा वो लोगों को ऐसे ही बांटते रहेंगे, लोग अपने आप को काटते रहेंगे और उनकी राजनीति चलती रहेगी, उनका गद्दी उनकी सेफ रहेगी। लेकिन वो और श्रीलंका के लोगों ने शायद राहत इंदौरी साहब की मशहूर पंक्तियां नहीं सुनी थी, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज लंका में सबके घर जद में आ गए, समय पर रहते रहते लोग कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ये तो है कि आप और हम इससे क्या सीख ले सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई जो उसने बोली। आप देखो ये जो बात बोल रहा है श्रीलंका को लेके, कुछ कुछ वैसे का इंडिया में भी चल रहा है ना। बस क्या सरकार अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ना वो थोड़ा सतर्क रहे ताकि कुछ ऐसा हो ना पाए जो श्रीलंका में हो गया, क्योंकि अपने अभी तक वही चीज़ चल रही सेम टू सेम चलने की नहीं चल रही है ना। ध्यान इकोनॉमी पे ना होकर कहाँ पर है कि खुदाई में मंदिर मंदिर मतलब मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है कि नहीं है। बुरका बैन कर्नाटक देखो आप लोग, है ना, हिंदू मुसलमान यही डिबेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, कि मौलाना ने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया, फलाना ने क्या बोल दिया, ढिकाना क्या बोल दिया, यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इकोनॉमी को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की जा रही है। और अगर मान लो, हालांकि मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अपने यहाँ पर इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए अपन बोलते पावर की अपन बात कर रहे हैं, श्रीलंका में क्या पावर क्राइसिस आगे के नहीं आ गया था, मतलब वहाँ पे जो पेट्रोल था महंगा हो गया कि नहीं हो गया था, तभी सरकार क्या कर रही है पेट्रोल पर अपनी डिपेंडेंस कम करके कहाँ पे मूव करना चाह रही है, ग्रीन हाइड्रोजन पर, या फिर ये बोल दो आप क्या वो बैटरी पावर्ड गाड़ियों पर, ताकि सरकार को पता है कि देखो अपनी जो सरकार ना इस मामले में तो बहुत शानदार है, उनको पता है कि हाँ जनता को चाहिए क्या, तो उस पर काम करके उसे तैयार कर दो आने वाले टाइम के लिए। अगर मान लो कल को पेट्रोल डीजल अवेलेबल नहीं होगा शहर में, तो अपने पास क्या बैटरी वाली गाड़ियाँ तो है ना, अपन वो खरीदेंगे, उनसे अपना काम करेंगे, अपना गंतव्य तक आने जाने काम करेंगे, है कि नहीं है। बाकी खाने पीने तो खैर बना ही रहेगा जो भी कुछ है ना ऐसा। नहीं वो तो खैर कहने वाली बातें होती, कैसे भी नहीं कर सकते आप इतनी जल्दी थोड़ी, एक समय आप बताओ, मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो पाएंगे, 2070 तक, तुम्हारा 2025 कैसे खत्म कर सकते हो, कैसे भी नहीं, वो देखना रिवाइज किया जाएगा वो, क्या देखो शुरू में तो बोला जाता है इसमें कोई डाउट नहीं, शुरू में चीज बोली जाती है, हाँ 2070 तक तो अपन कार्बन न्यूट्रल हो पाएंगे, है ना ऐसा। तो ये बात समझ में आई, बाकी इन राहत इंदौरी वाले बात बोल दी है कि घर में आग लगती भैया, तो फिर आपके घर में आग लगती है, यानी ऐसे करके बोलता है ना, ऐसे करके बोलता है ना वो राहत इंदौरी। चलिए खैर यहाँ पर हमारी बात हो जाती खत्म।